हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेफ जब्बर सिंह नेगी और स्वागत करता हूं आपके अमृतसर किचन में। तो आज हम बना रहे हैं पनीर मखनी होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत इजी रेसिपी है पनीर मखनी बनाने की, और हर लोग इसकी खाने के बड़े शौकीन होते हैं। नाम ही सुन के है पनीर मखनी। तो अगर आप लोगों को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज हम बना रहे हैं पनीर मखनी, और पनीर मखनी बनाने के लिए मैंने लिया है 6 टमाटर। टमाटर आपने लेने हैं लाल लाल, और 3 लिए मैंने प्याज, 2 गार्लिक टुकड़े लिए मैंने, और आधा इंच लिया मैंने अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने काट दिया, और ये हैं धनिया की जड़ें। इसको अधिकतर लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया होती हैं, और इसका जो टेस्ट आता है ग्रेवी के अंदर वो एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर आ जाता है। तो अभी हम इनको रफली काट देंगे। तो प्याज टमाटर को मैंने काट दिया, और अभी हम इसको, तो हमने लिया एक पैन, उस पर डाल देंगे हम प्याज जो हमने काटा हुआ था, और साथ में डाल देंगे टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे, और ये है मेरे पास कोरिएंडर जो धनिया की जड़ें हैं, और ये है अदरक और लहसुन, दोनों चीज़ मैंने इसमें डाल दी, और साथ में मैं डालूँगा इसमें काजू को हम इसी के साथ डाल देंगे। काजू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मखनी ग्रेवी है। और इसमें मैं डाल रहा हूँ होल स्पाइसेस, ये है मेरे पास कश्मीरी मिर्च, 2 मैंने कश्मीरी मिर्च ली थी, इनको तोड़ के डाल दिया, 2-3 तेज पत्ता, 1 लिया मैंने दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 1 स्टार फूल, और 4-5 इसमें डालूंगा मैं ग्रीन इलायची, और 2 चम्मच डालूंगा मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या है, बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा हमारे ग्रेवी का। और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें नमक, नमक से क्या है हमारे प्याज टमाटर जल्दी गल जाएंगे, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऑयल, और 1 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें सौंफ, और अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगा, और इसको हम रख देंगे बॉयल करने के लिए। तो इसको हम थोड़ा मिक्स करके, और अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और इसको अभी 7-8 मिनट तक छोड़ देते हैं, तब तक ये ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो अभी हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं कि हमारी ग्रेवी पक, तो ग्रेवी हमारी पक चुकी है, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर खुशबू आ रहा है ग्रेवी का। तो अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी है, और जितने होल स्पाइसेस थे इसको हम निकाल देंगे, जो भी हमने इसमें डाले थे इलायची तेज़पत्ता दालचीनी सब निकाल देंगे, क्योंकि इसका हमें फ्लेवर चाहिए होता है, और अगर हम इसी में इसको साथ पीसेंगे तो ये ग्रेवी हमारी जो मखनी की है वो थोड़ा काली हो जाएगी। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, अभी जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। अभी हम इसमें डालेंगे चम्मच दही मिर्च, और दही मिर्च से क्या है एक कलर आ जाता, और अभी हम ग्रेवी डाल देंगे, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, नहीं तो मिर्च हमारी काली हो जाएंगी, और ग्रेवी को हम अच्छी तरीके से पकने देंगे, 5-7 मिनट तक छोड़ देते हैं हम। ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है, तो अभी हम इस पर करेंगे ऐड नमक 1 चम्मच, और साथ में डालेंगे हम शुगर हम डाल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1.5 चम्मच डाला है मैंने, और यह है मेरे पास रोस्टेड की हुई कस्तूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डाल देंगे, इससे क्या है बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है पनीर मखनी का। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अभी अच्छी तरीके से, आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास शुगर है तो मैं शुगर ही डाल रहा हूँ, अगर आपके पास हनी है तो हनी डाल सकते हो आप। और यहाँ पे हम डालेंगे बटर थोड़ा ज़्यादा डालना है आपने, पनीर मखनी है तो बटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ में डालेंगे हम इसमें कुकिंग क्रीम बटर का हाथ थोड़ा खुला रखना है आप लोगों को, ताकि पनीर मखनी की जो फ्लेवर है वो एक मक्खन जैसा होना चाहिए। इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे,
तो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम इस पे ऐड करेंगे पनीर, और पनीर को हम थोड़ा मिक्स करेंगे। तो पनीर मखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल पे, आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और एक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।